संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में, सिरसा ज़िले के गिंदड़ा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। 29 जुलाई को शाम को एक 12 वर्षीय नाबालिग बेटी है, उसका शव मिलता है कुसर के खेतों में और आज करीब 5 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी आरोपियों का कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला है। अभी तक आरोपी है पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस लगातार जो है गांव के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और इस वक्त आज हम उस घर में मौजूद हैं, उस बेटी के घर में मौजूद हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये अति गरीब परिवार है क्योंकि दो ही कमरे बने हुए हैं, एक पे छत नहीं है और दो पे जो छत है वो भी पक्की नहीं है। गांव के बाहर ये मकान है, शमशान घाट के साथ लगता हुआ ये जो इलाका है जहां पे कुछ झुग्गी झोंपड़ियां हैं और वहां पे ये मकान है वो मौजूद है। हमारे साथ दलित नेता भी हैं, करनैल सिंह ओढ़ा, जो अनुसूचित जाति के लोगों के साथ साथ जो आवाज़ उठाते आए हैं वो भी आज यहाँ इस परिवार से मिले हैं। उनसे पहले हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह का, करनैल जी आज आप इस परिवार से, सिविल अस्पताल में पुलिस ने आश्वासन दिया कि जल्द आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी जो है आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर है। सर जी, इस केस के अंदर क्या हुआ है जी और आगे क्या होने वाला है जी? और परिवार जो है निहत ही जो है कमजोर है, आर्थिक स्थिति से कमजोर है जी। तो आप इस केस में अभी तक क्या हुआ है जी? तो उनका कहना था कि भाई इसमें ऐसा है कि हम तो पूछताछ कर रहे हैं और इसमें कितना समय भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो इन बातों से ये जाहिर होता है कि इस परिवार को प्रशासन से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है, ये झांसा है। और ऐसे कांड जो भी होते हैं ये योजनाबद्ध तरीके से किए जाते हैं, ना कि अचानक घटना नहीं घटती है। जैसे जो है हाथरस वाला कांड हुआ तो वो भी बच्ची गरीब परिवार की सी और उल्टा प्रशासन उनके परिवार के ऊपर ही केस बनाने के लिए तैयार था, लेकिन ये तो सामाजिक संगठनों ने, पूरे देश के लोगों ने आवाज़ उठाई, बड़े बड़े सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए और सीधा सरकार से टकराव हुआ, फिर जाके वो थोड़ी बहुत ही बात बनी है। लेकिन उस लड़की का रात को 2 बजे संस्कार कर दिया गया। अभी अभी यह 1 अगस्त को वाल्मीकि समाज की लड़की दिल्ली के अंदर उसको जिंदा जला दिया गया, अध झुलसी हुई लाश निकाल ली और उस परिवार ने उनको पकड़वा दिया, पुलिस के साथ बैठा दिए, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ दिया, भगा दिया और प्रशासन कह रहा है कि हमें तो उसकी राख मिली है। तो ये तो बेचारा गरीब परिवार है, ये तो गांव में बैठा हुआ है, ये तो इन बातों के लिए बिल्कुल ही अनजान है, ये क्या करेंगे। और दूसरा जो न्याय दिलवाने वाले लोग हैं यहाँ के, जो इस एरिए के इलाके में 5 तो विधायक हैं और 5ों विधायकों में से एक भी इनके पास हमदर्दी जुटाने के लिए नहीं आया, ठीक है। अब ये डब वाली से है, KV सिंह है, उसका PA भेज दिया गया। क्यों भाई, वोट लेने के लिए PA को भेज दिया करो ना, आप क्यों आते हो गांव गांव में? हम लोग जो हैं गांव में बैठे जो लोग हैं उनके पास जब भी कोई राजनीतिक आदमी जाते हैं तो सभी आदमी ये कहते हैं हमें वोट दो, हम आपकी सुख सुविधा के लिए ये करेंगे, ये सुख सुविधा है, ये देख लो 2 कमरे हैं। अभी तक कोई भी राजनेता इनके घर में बैठने तक नहीं आएगा जी। इसका मतलब ये है कि लोग कह देते हैं, हम जब बात करते हैं लोग कहते हैं कि देश में जातिवादी बात नहीं है, जे जातिवादी नहीं है तो और क्या है। इसका मतलब ये गरीब परिवार से, ये पिछड़े वर्ग से हैं, इसलिए इनके साथ कोई बड़े लोग जो है इनके घर में हमदर्दी जुटाने के लिए नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये है भी ये गरीब हैं, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि इस पूरे इलाके का जो पिछड़े वर्ग के, ये 5-4 गाँव सारे के सारे BC के हैं जी, लेकिन कमी ये है कि इनमें जागरूकता नहीं है। और जैसा अब इसमें भी क्या क्या होगा,
क्योंकि हमारे जैसे लोग, हम भी तो आर्थिक से कमजोर लोग ही हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, दो चार दिन पांच दिन जो है भागदौड़ कर लेंगे, रोला रप्पा मचा लेंगे, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता। जब आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर, जबकि पूरे देश के हर संगठन का समर्थन है किसान आंदोलन को, वो बेचारे बैठे हैं, 10 महीनों से बैठे हैं, सरकार के तो जून ही सरकेगी। तो इसी तरह ये निम्न वर्ग के लोग रोला मचा के रह जाएंगे। और मेरे आइडिया से ऐसा है कि ये जो घटना घट गई है, इसके आगे भी जो है ये घटना घटती रहेगी, ये रुकेगी नहीं। और मेरा तो आइडिया ये है कि अगर, क्योंकि मैं मेरे रिश्तेदारी में मरगा होने के कारण मैं उलझा हुआ था, मौके पर उस दिन मैं पहुंच नहीं पाया, लेकिन नहीं, जो हमने तो ऐसा करना चाहिए था कि डेड बॉडी का तब तक संस्कार नहीं होने चाहिए था कि जब तक जो कर्मचारी है उन्होंने कुछ भी जो है बशर्मीदार के इसके ऊपर जो है सही कार्रवाई नहीं की, तो जब तक उनको टर्मिनेट नहीं किया जाता था तब तक इसका संस्कार नहीं होना चाहिए था। कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब राजनीतिक, कोई आपको लग रहा है कि राजनीतिक कोई दबाव है परिवार पे या कुछ, किस तरह से दबाते हैं? उल्टी का प्रशासन इनको डांट मारता है कि भाई आप उल्टा सीधा बयान नहीं देना, नहीं तो हम आपको उठा कर ले जाएंगे। अरे भाई, इनकी बच्ची उठा कर ले गए, उसको मार दिया गया, उसका रेप हुआ, मार दिया गया है, और अब इनको मार दोगे, क्या है इसका मतलब? यही है ना, मनुस्मृति कहती है ना, भी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको मार दो, इनके ऊपर कोई धारा बढ़ दिया आप लगा दो, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि ये जो है ना, ये विधायक हैं, मेरा जितना भी हो पाया, अगर वो विधायक, पांचों विधायक जो है, अगर उनमें से कोई भी आके इनकी हमदर्दी के लिए, इस आंदोलन को, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए आगे नहीं आएंगे, तो करनैल सिंह ओडा इन विधायकों का, जब भी इलेक्शन में ये वोट मांगने कहीं भी जाएंगे, तो करनैल सिंह ओडा वहाँ जाके इनका विरोध प्रदर्शन करेगा। ये करेगा कि आप लोग झूठे हो, आप लोग निकम्मे हो, आप लोगों को जो है गुमराह करते हो, गुमराह करके इनके वोट बटोरते हो, नहीं तो इनको आना चाहिए ना। तो हम उनका पूरा विरोध करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी आपके वर्ग की ओर से और जो है समाज की ओर से, क्या क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, हमारा तो ऐसा ही है कि हमारी जितनी हो पाएगी हम समाज के अंदर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, न्याय लेने के लिए जो है अपना तड़पना जो हमारी है वो हम जारी रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुप करके बैठ जाएंगे। तो न्याय वगैरह देना, तो ये सरकार है, सरकार के साथ तो इतना बड़ा देश लगा, उसको न्याय नहीं दे रही, तो हम तो कौन होते हैं? हमारा तो इतना ही है कि हमारे ऊपर पड़ गई है तो हम चीख चिंगार तो जरूर मारेंगे, जितना हमारे दर्द होगा उतना हम चिल्लाएंगे, हमारे पास में तो चिल्लाना है और वही चिल्लाएंगे, बस। धन्यवाद। की नहीं हुई है और परिवार है वो बेहद, क्योंकि परेशान है, 5 दिन बीत चुके हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि प्रशासन ने नागरिक अस्पताल में इस बात का दम भरा था कि कुछ ही घंटों में जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, लेकिन गिरफ्तार है वो नहीं किए गए हैं। और अब फिर से जो है एक बार फिर से इस आरोपियों के खिलाफ जो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं जो लोग हैं, गाँव के लोग हैं हमारे साथ जो, हाँ जी, क्या कहना है सर? वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने शकशुदा पे हमने दे रखे हैं, उन्हें गिरफ्तार कर रखा है जी, और उनके बारे में हम ये पूछ रहे हैं क्या टाइम था क्या नहीं था, इस स्थिति में वो हमसे पूछ रहे हैं, हमने सारा कुछ कह दिया तो भी वो हर बारी में आते हैं कह रहे हैं कि ये रखना, और आप उल्टा सीधा मुझे उलझा रहे हैं हर बात में, परेशान कर रहे हैं कि केस इन पे ही बन जाए, और दबाव बना रहे हैं, सर जी। और कह रहे हैं कोई मदद करी है, क्या कह रहे हैं सर? पब्लिक तुम्हारी पूरी मदद कर रही है, पर कोई नेता वगैरह कुछ हमारे घर में आया नहीं है। प्रशासन के लोगों ने, कोई सरकार ने कोई मदद करी है, जिस तरह से मदद की बात की जा रही थी? नो सर, अभी तक तो कुछ नहीं की, और पब्लिक तो हमारी मदद पूरी कर रही है, जिनको पता चल रहा है वो आ रहे हैं, और नेता और उनको अधिकारी जो है मदद नहीं की, उन्होंने नहीं की सर। क्या क्या लग रहा है, पुलिस पे भी कोई राजनीतिक दबाव है? क्योंकि जो उनपे असर है, पक्का है उनपे राजनीतिक दबाव? हाँ, दबाव नहीं होता ना सर, तो मेरी बहन चलो अब अपने आप बयान करती होती जी। उस टाइम पुलिस वाले बैठे थे तो उन्होंने कुछ भी नहीं, खाने पीने चाय वगैरह मंगाने लगे, इस स्थिति में हम क्या मांगे, और उन वही हम पे दबाव डालने लगे कि आपको ढूंढना तो आप चले जाओ, मैं क्यों बुलाया, ऐसे दबाव डालने लगे सर। तो और उम्मीद क्या उम्मीद करते हैं पुलिस से आप? सर पुलिस से तो हमें कुछ उम्मीद नहीं है अभी तक, कोई उम्मीद नहीं है सर। आरोपी गिरफ्तार किए जाए, आरोपी गिरफ्तार किए जाए और न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद।
तो आपने सुना इस परिवार को, और मैं आपको इस पूरे घर की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। काफ़ी गरीब परिवार है ये, 6 बेटियाँ हैं घर में यहाँ पे, और सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो है 25 जुलाई को जो है 12 वर्षीय जो नाबालिग बेटी है वो लापता हुई थी, और उसके बाद जो है 4 दिन बाद उसका शव मिलता है। हालांकि परिवार के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी थी और ये कहा था कि उनकी जो है उसको ढूंढा जाए, लेकिन पुलिस पे आरोप लग रहे हैं कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं निभाई। पुलिस कर्मचारी बात को टाल मटोल करते रहे। हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि डबवाली से पुलिस है वो यहाँ पे पहुँच जाती है, लेकिन रानिया से करीब 12 किलोमीटर की दूरी में भी जो रानिया पुलिस ने कोताही बरती है। SHO को सस्पेंड करने की मांग है वो गांव के लोग नागरिक अस्पताल में कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। किसी तरह की कोई इंक्वायरी है वो नहीं है। हालांकि SIT DSP के नेतृत्व में SIT गठित कर दी गई है, लेकिन 5 दिन के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इस बेटी को न्याय मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया।